कांग्रेस जो एक कंफ्यूज पार्टी है, उस कंफ्यूज पार्टी की तरह ही कंफ्यूज स्पीकर रहे माननीय एलओपी, जिनको मैंने सोचा कि क्या संबोधन दिया जाए, तो लिप्स ऑफ पैरट, तोते का जो जवान होता है, उस तोते के जवान में जो लिखाया पढ़ाया जाता है वही उसको बोलना है। और इस बजट पर चर्चा करते करते ये अमर सिंह साहब भी वही चर्चा कर गए। वो क्या कहते, वो महाभारत को गलत कोट करते, वो रामायण को गलत कोट करते, वो शिव को गलत कोट करते हैं, तो जाती है ही नहीं ना। आप ये समझें कि वो कहते हैं कि जो मैं हूं वो दिखता नहीं, मैं जो दिखता हूं वो मैं नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो एजेंडा सेट किया, कृष्ण की तरह चारों तरफ आप बिलबिला रहे हो, और सारी ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी कौरव की तरह प्रधानमंत्री के एजेंडे पर ओबीसी ओबीसी चिल्ला रही है। माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। हाँ जी, थैंक यू सर। कोई धन्यवाद सभापति महोदया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री के इतने ऐतिहासिक बजट के धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करने के लिए खड़ा हूँ। आज 6 अगस्त है, स्पीकर साहब ने हिरोशिमा और नागासाकी के शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी, और दूसरी श्रद्धांजलि मैडम सुषमा स्वराज जी को है जिनकी आज पुण्यतिथि। और जब मैं पहली बार यहाँ सांसद बनकर आया तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाते उन्होंने हमारे जैसे लोगों को बढ़ाने का काम किया, और उसी कारण से आज मैं पार्टी के आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री जी के कारण इस फाइनेंस बिल पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ। मैं सोचता था कि कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन या जो वक्तव्य देने वाले हैं वो फाइनेंस बिल पर चर्चा करेंगे, वो देश के स्थितियों के बारे में बताएंगे, हमारी सरकार ने क्या बुरा किया इसके बारे में बताएंगे। लेकिन कांग्रेस जो एक कंफ्यूज पार्टी है, उस कंफ्यूज पार्टी की तरह ही कंफ्यूज स्पीकर रहे। फाइनली उनका समय जो है कांग्रेस पार्टी को कट करना पड़ा, अब दूसरे स्पीकर बोलने के लिए खड़े हुए। आज स्थितियां क्या मैं देख पा रहा था, मैं सभापति महोदया मैं डिरेल नहीं होना चाहता, आज स्थिति क्या है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की स्थिति क्या है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी यदि वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, फोर्ब्स की, अमेरिका की, जिनकी नीतियों से कांग्रेस बहुत प्रभावित रही है, यदि उनके रिपोर्ट को देखें तो पूरी दुनिया में 2.5% से लेकर 2.7% ही जीडीपी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया करा रही है। आप लंदन जाइए, आप न्यूयॉर्क जाइए, आप वाशिंगटन जाइए, आप पूरे यूरोप जाइए, सारे दुकान बंद होते हुए नजर आएंगे। बेरोजगारी की भयंकर सीमा है, इन्फ्लेशन का रेट यदि आप कहेंगे कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां की 8% से कम इन्फ्लेशन है। पूरी स्थिति खराब है, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट का हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ का हो, फिस्कल डेफिसिट का हो, जिस भी पैमाने पर आप पूरी दुनिया को आंकने का काम करेंगे आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी की नीतियां इस देश के लिए इतनी सक्सेसफुल हैं कि आज भी भारत आशा की किरण है पूरी दुनिया में, 7% से ऊपर जीडीपी का ग्रोथ। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभापति महोदया जावेद साहब बोल रहे हैं, और जो धर्म कहता है उसी के आधार पर हम चलते हैं। हमारे धर्म में एक बड़ी अच्छा जो है श्लोक है कि कलातीत कल्याण कल्पांत कारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। भगवान जो है वो सभी कालों में, सभी भगवान में, सभी गरीबों में एक ऐसी ऊर्जा का संचरण करते हैं जिसके कारण कि दुनिया में गरीब कैसे खत्म होंगे, भारत में गरीब कैसे खत्म होंगे, उनको अमीर कैसे बनाया जाएगा, इसी पॉलिसी के आधार पर भारत सरकार चलती है, इसी पॉलिसी के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है।
किसान बिल की बात हो रही है और उस दिन मैंने बजट पर माननीय एलओपी जिनको मैंने सोचा कि क्या संबोधन दिया जाए, तो लिप्स ऑफ पैरट, तोते का जो जवान होता है उस तोते के जवान में जो लिखाया पढ़ाया जाता है वही उसको बोलना है। और इस बजट पर चर्चा करते करते ये अमर सिंह साहब भी वही चर्चा कर गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, आप उसमें पढ़ना नहीं। सर नहीं, अगर कोई माननीय सदस्य से आग्रह कर रही है, कोई अगर ऐसा शब्द आया है तो उसे पटल से हटा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से हटा दिया। अध्यक्ष महोदय, ये सुग्गे की जवान कैसे है मैं ये बता रहा हूँ। आज जो है प्लीज बैठे, हम क्या कर रहे हैं, हम भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और आप भी सुनिए, कोई भी सदस्य जब बोल रहा हो तो प्लीज बैठे बैठे कमेंट्स भी मत करिए, प्लीज बोलिए। वो जो भी शब्द आया है पटल में नहीं आएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं और उसके लिए इस बजट में जो सबसे बड़ा प्रपोजल है कि जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एफडीआई में जो कॉरपोरेट आते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी में जा रहे हैं, आरएनडी में जा रहे हैं, नए नए इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वो यदि कंपनियां हमारे यहाँ यदि इन्वेस्ट करना चाहेंगी तो उनके टैक्स को हमने जो है कम किया। और कम क्यों किया? क्योंकि हमारा मुकाबला सिंगापुर से है, हमारा मुकाबला अबू धाबी, यूएई, इनसे है, जहां की टैक्स की जो स्थिति है, कॉरपोरेट टैक्स की स्थिति ऐसी है कि वो 20-22% से ज्यादा नहीं, कई एक जगह तो टैक्स ही नहीं। और उस इंडस्ट्री को जब बैठना है, जब बैठकर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी तो यहां के बच्चों को रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, मेक इन इंडिया में जाएगा। और जो 2047 का एक संकल्प है कि हमको एक विकसित भारत बनाना है, जो 2027 का एक संकल्प है, जो रिपोर्ट कहती है, फोर्ब्स की रिपोर्ट करती है कि 2027 तक ऐसा संभव है, जो भारत जिस इकोनॉमी के साथ बढ़ रहा है, हम तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, उसमें जो ये राइडर है, जिस पद पर सभापति महोदया उन्होंने बोलते हुए किस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया, ये मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो महाभारत को गलत कोट करते हैं, वो रामायण को गलत कोट करते हैं, वो शिव को गलत कोट करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, मतलब आप ये समझिए, और वो ये कहते हैं कि हम जो है अराजकता फैलाएंगे, तुमको जो करना है करो। मैं अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने जो उस दिन बात कही, मैं उससे कंप्लीट सहमत नहीं हूं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं इस सदन में। लेकिन क्यों? इसीलिए कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया जाति, तो जाति है ही नहीं ना। आप ये समझें कि वो कहते हैं कि जो मैं हूं वो दिखता नहीं, मैं जो दिखता हूं वो मैं नहीं, तो वो साधु हैं। और इस देश में कहा गया है कि जात ना पूछो साधु, साधु का जाति नहीं पूछना है। और जब साधु का जात नहीं पूछना है तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गलती कर दी कि उनसे जात पूछ लिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और सारे अपोजिशन से जवाब पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि इस देश में कई एक ऐसे लोग हैं जिनको की धर्म में आस्था नहीं, कई एक ऐसे लोग हैं जिनको जाति में आस्था नहीं है, वो अपना किस तरह से जातिगत जनगणना करेंगे? जिस पद पर राम सुभग सिंह, चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह के बड़े बड़े लोग रहे, जिस जगह पर शरद पवार जैसे लोग रहे, वाईबी चौहान जैसे लोग रहे, उस जगह की गरिमा का क्या हरासमेंट कर रहे हैं इस बजट में अराजकता फैला के, इस बजट का नकारात्मक पहलू दिखा करके? आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इसी बजट में जाता है, यही टैक्स है, इसी टैक्स के आधार पर जाता है। और मैं स्पीकर महोदया, अध्यक्ष महोदया, आज मैं बहुत कुछ चीज लेकर आया हूं। मैं 1952 से लेकर
1990 तक का कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। आप यदि कहेंगे तो मैं ले कर दूंगा 1952, क्योंकि उस दिन जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि नेहरू ने यह कह दिया, राजीव गांधी ने आलोक मेहता को यह इंटरव्यू दे दिया, तो यह तो इंडिविजुअल कह सकते हैं कि राजीव गांधी का वो अलग से विषय था, राजीव गांधी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं था या नेहरू जी का पार्टी से लेना देना नहीं था। लेकिन जो कांग्रेस मैनिफेस्टो, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि कई एक चीजें हमने कांग्रेस के न्यायपत्र से लिया, तो कांग्रेस के न्यायपत्र से लिया, तो ये पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है 1952 से लेके 1990 तक पूरा असेसमेंट किया, इसमें आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदया कि पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में 52 में, 57 में, 62 में, 71 में, 71 में, 77 में, 80 में, 84 में, 89 में और 91 में, ये सभी मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ। आप ओबीसी की बात करते हो, मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस ने एक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज तक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, बिहार में दरोगा राय जी को छोड़कर किसी एक को ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। और जब जब ओबीसी की बात आई, यदि दरोगा राय ने रिजर्वेशन दिया तो उसको आपने अलग किया, 77 में जब चरण सिंह रिजर्वेशन देना चाहते थे आपने उसकी सरकार गिरा दी, आपने 89 में बीपी सिंह की सरकार गिरा के चंद्रशेखर का आपने सरकार बना दिया, और जब गुजराल साहब ओबीसी जनगणना कराना चाहते थे तो आपने 97 में उसकी सरकार गिरा दी। आप पर खेल रहे हो, आज इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, चाय वाला है, बैकवर्ड है, और यदि वो ओबीसी सुरक्षा की बात करता है और जिस दिन वो एक बार ओबीसी सरकार की बात करता है तो आप ओबीसी ओबीसी करते हो। इसीलिए कांग्रेस का कोई मुंह नहीं है ओबीसी के बारे में। और प्रधानमंत्री जी ने जो एजेंडा सेट किया, कृष्ण की तरह चारों तरफ आप बिलबिला रहे हो, और सारी ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी कौरव की तरह प्रधानमंत्री के एजेंडे पर ओबीसी ओबीसी चिल्ला रही है, और ओबीसी का कोई कल्याण यदि होगा, यदि आप में ताकत है तो 2011 में ओबीसी रिजर्वेशन जो कराया वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, यदि आप में ताकत है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, पिछले 2 साल से सरकार है, वहां सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन हो गया है, उसको क्यों इंप्लीमेंट करवाया? इसलिए नहीं करवाया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दो ऐसे धर्म हैं जो जाति की बात नहीं करते हैं, और उसमें 86 जाति क्रिश्चियन की और 56 जाति मुसलमान की, उसको ओबीसी बैक दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से आप मुसलमान और क्रिश्चियन को रिजर्वेशन देना चाहते हो ओबीसी में, इसीलिए आपकी हैसियत नहीं है और इसीलिए आप जातिगत जनगणना की बात करते हो। यदि हिम्मत है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, तो कर्नाटक में वो ओबीसी रिजर्वेशन करके दिखाए, तो मैं मानू कि इस हाउस में जो आप बात करते हो उस हाउस की बात करते हो।